बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज बहुत ही इजी और टेस्टी सी रेसिपी बन रही है जो कि है सबकी पसंद, स्पेशली बच्चों की। आज बन रहा है सूजी की टुकड़ियाँ। अच्छा फ्रेंड्स, सूजी की टुकड़ियों के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने ली है सूजी 1 कप और इस सूजी को मैं करूँगी जस्ट हल्का सा ब्राउन। इसका मतलब है मुझे रोस्ट करना है और इसको जलाना नहीं है। पॉइंट ये है, इसको जस्ट हमें भूनने का मतलब यही है कि हमें इसको ब्लैक नहीं करना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ताकि इसके सारे वाइटामिन जो है वो ज़ाया ना हो जाए। और हमें इसको उस वक्त तक बस पकाना है स्लो फ्लेम पे जब तक ये हल्का सा कलर टेक्स्चर चेंज ना कर ले, यानी कि ये ऑफ वाइट या लाइट येलो कलर की ना हो जाए। ठीक है, ब्राउन या डार्क ब्राउन बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं जब हम किसी भी चीज़ को भूनते हैं। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर ये ग्रेजुअली भुन रही है और बहुत प्यारी सी स्मेल जो है मुझे आ चुकी है। मैंने सूजी की पैन जो है साइड पे रख ली है। यहाँ मैंने शीरा लिया है, यानी कि पानी लिया है शीरे के लिए, जिसमें 1 कप शुगर है और ½ कप मैंने लिया है पानी। इनको मुझे इतनी अच्छे तरीके से इसका शीरा बनाना है, यानी कि शीरा अब हमें बनाना पड़ेगा थिक, मगर उसमें ख्याल रखना पड़ेगा कभी भी बहुत ज़्यादा थिक अगर शीरा हो जाएगा टुकड़ियों के लिए तो इतनी ज़्यादा सख्त हो जाएंगी टुकड़ियाँ कि हर एक किसी के लिए इजी नहीं होगा उसको खाना। इसमें मैंने 4 से 5 अदद जो है ग्रीन कार्डमम जो है कूट के डाल रही हूँ। उसमें आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखना है कि इसमें कितनी कंसिस्टेंसी आती है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए वरना टुकड़ियाँ टूटेंगी नहीं, और अगर सॉफ्ट हो गया बहुत ज़्यादा तो तब भी टुकड़ियाँ बनेंगी नहीं। अभी इसमें हल्का सा स्टिकी दिख रहा है कि ये स्टिकी हो चुकी है। इस लेवल पे मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी, मगर मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तो फ्रेंड, हमें ये देखना होगा जहाँ हम टुकड़ियाँ जमाएंगे तो वहाँ हमें पानी का रेशो हमेशा कम रखना पड़ेगा। ठीक है, और घी का रेशो भी कम होगा, मगर सूजी और शुगर जो है वो बिल्कुल इक्वलेंट रेशो में रहेगी। अगर रेशो सही होगा तो डेफिनेटली आपकी जो रेसिपी होगी वो भी 100% डन हो जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर सूजी जो है बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, इसने अपना टेक्सचर चेंज कर लिया। मीनवाइल आई एम एडिंग 6 टेबलस्पून ऑफ घी। ठीक है, घी में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, देसी टेस्ट। अच्छा, हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना घी में भी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है अब पक चुकी है सूजी, कलर टेक्सचर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड क्या कर रही हूँ, जो पका हुआ शीरा था वो। ठीक है, हमने इसको घी में इतना मिक्स किया था जब घी और सूजी जो है बिल्कुल एक जैसी हो जाए उस वक्त मैंने इसमें शीरा ऐड किया है। शीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ, 3 टेबलस्पून पाउडर मिल्क। ठीक है जी, 3 टेबलस्पून पाउडर मिल्क के बाद मैंने ऐड किया 3 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो फ्रेंड, ये तमाम चीज़ें मिला के हम अच्छी तरीके से हमें मुस्तकिल चम्मच चलाना है ताकि जले ना और तमाम चीज़ें मिक्स हो जाए जो कि हो रही हैं। इस वक्त जब बबल्स बनने लगे ना तो हमें उस वक्त फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। फ्लेम डेफिनेटली जो कि मीडियम स्लो था उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे हम इसको शिफ्ट करेंगे किसी भी दूसरे जो सर्विंग बाउल है या प्लेट है, ताकि जब ये जम जाए तो उसी में जमे। अगर आप इसको पैन में या कढ़ाई में रख के रहने देंगे तो डेफिनेटली उसी में जम जाएगा। इस वक्त ये स्टिकी हो रहा है, डेफिनेटली थिक हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो रहा है वाला। बहुत ज़्यादा अगर इस वक्त गरम गरम जब ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो बाद में ठंडा होने के बाद इसको इजीली खा नहीं सकते। ठीक है, अभी मैं इसको ½ घंटे के लिए रख रही हूँ, और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी किशमिश की बड़ी खूबसूरत सी डेकोरेशन की है, गार्निशिंग की है, और इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का पाउडर भी ऊपर से डाल रही हूँ। और आलमंड जो है मैं थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन दे रही हूँ बड़े अच्छी सी शक्ल में। आप चाहें तो आपको जिस किस्म का भी पसंद हो उस तरह से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको चम्मचे से प्रेस करना है ताकि वो जम जाए। अच्छा जनाब, ½ घंटे में ये जम चुका है, और इसकी की जा रही हैं छुरी से टुकड़ियाँ, बड़ी ज़बरदस्त सी टुकड़ियाँ हैं, और आप इसको फ्रिज में बहुत आसानी से 1 मंथ तक के लिए सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए, खुद खाइए, दूसरों को दीजिए, एंजॉय कीजिए। फ्रेंड, बहुत यमी सी रेसिपी है, ट्राई कीजिए, और मुझे विद बेल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलेंगे न्यू रेसिपी में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।